नमस्कार दोस्तों, खेत चक की पैमाइश एवं रकबा का क्षेत्रफल निकालना जानेंगे और रकबा भी देख लीजिए। रकबा निकालेंगे, पूरा वीडियो को देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, तीन तरीके से जानेंगे, तीनों नियम को देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ये देख लीजिए, प्लाट है, इस तरह का प्लाट है। इस भुजा की लंबाई 240 कड़ी ये आपने नापा है और इस भुजा की लंबाई 180 कड़ी और इस भुजा की लंबाई 190 कड़ी और इसकी लंबाई 260 कड़ी। ये प्लाट है, खेत 240 और 260 को जोड़ दीजिए, 240 प्लस 260 बराबर 500। 180 और 190 अस्सी 180 बराबर 370 ये आपने नापा, और इधर भी और इधर भी अलग अलग भुजा का लंबाई है। 500 और 370 को गुणा कर दीजिए, 500 गुणे 370 बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1,85,000। 1,85,000 आंसर आता है दोस्तों। अब हेक्टेयर में जानने के लिए इसके आगे पॉइंट लगा दीजिए, दशमलव इस तरह से बराबर 0,18500 भी लगा सकते हैं, इतना हेक्टेयर। दशमलव के बाद 3 डिजिट लीजिए इस तरह से। ये दोस्तों, ये नियम सभी जगह लागू नहीं होता है। एक हेक्टेयर से कम रहे प्लाट तभी इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। ये था पहला नियम, इसी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हर जगह इसका उपयोग नहीं होता है, इसे हर कोई नहीं बताएगा। आइए हम इसको जांचते हैं दोस्तों। देख लीजिए, दूसरा प्लाट इस तरह का यदि प्लाट है, 500 कड़ी और 700 कड़ी इस भुजा को आपने मापा है 700 और इसे 500 और इसे 800 कड़ी या 8 जरी और इसे 600 कड़ी। अब 600 500 को जोड़ दीजिए, 1100 गुणे कर दीजिए, 8 और 7 1500 बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 16,50,000 इसका आंसर दोस्तों। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 16,50,000। अब यहां दोस्तों, जैसे ऊपर में हम लोग दशमलव लगा दिए, इस तरह से लगाना नहीं है। यदि लगाना भी चाहेंगे तो बराबर एक के बाद 1,650 हेक्टेयर होगा, जो ये कंफ्यूज करता है। इसमें सीधा सा दोस्तों 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा नियम, 16,50,000, ये 16,50,000 है, इसे 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बराबर
1.65, यहाँ 65 यदि टू डिजिट रहे और कुछ ना रहे तो जीरो लगा दीजिए, इतना हेक्टेयर दोस्तों। ये परफेक्ट नियम है, इसे हमारे इस चैनल में बताया गया है, इसे पूछते भी हैं कि 10 लाख से ही डिवाइड क्यों करते हैं। दोस्तों इससे भाग करेंगे तो 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल का भी परफेक्ट निकलेगा और 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर का भी निकाल सकते हैं इससे। ये और दूसरा से भी नहीं, तीसरा से भी। तीसरा नियम देख लीजिए, तीसरा नियम में ये 6 और 5 को जोड़ दीजिए, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 1100 हुआ, 600 500 1100, इसको 2 से भाग कर दीजिए, बराबर 550। इसी तरह 1500 को 2 से भाग कर दीजिए, 750 करी, 550 करिए, ये 750 550। ये इसको अब गुणा कर दीजिए, 750 गुणे 550 बराबर, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4,12,500 वर्ग कड़ी में निकल आया है, वर्ग कड़ी। इस तरह से इस प्लाट का क्षेत्रफल इतना वर्ग कड़ी होगा, 4,12,500 वर्ग कड़ी होगा दोस्तों। अब इसे 2,00,000 ये 50,000 से डिवाइड कर दी, भाग कर दीजिए, 2,50,000 से भाग करेंगे तो आंसर 1.65 और यहाँ 0 कर दीजिए, इतना हेक्टेयर। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। ये सब एम्पीरियल सिस्टम से काम कर रहा है दोस्तों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।